इस परिसर में हम सारे लोग बैठे हैं। अभी महर्षि पतंजलि की चर्चा यहाँ पर्याप्त हुई है। महर्षि पतंजलि के एक शिष्य थे, उनका नाम था सेनानी पुष्यमित्र। सेनानी पुष्यमित्र ने जब ये सारे वेद वेदांग उपनिषद लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे, सेनानी ने जब शासन सत्ता अपने पौरुष के आधार पर जब स्वीकार किया तो उन्होंने पुनर्खोजा सारे वेद उपनिषद पुराण जो श्रुतियां थी सबको प्रज्वलित करने का काम महर्षि पतंजलि और सेनानी पुष्यमित्र ने किया। जैसे महाराज जी ने बताया कि यहां पर हजार विद्यार्थी जो वेदों का अध्ययन करते हैं, और हम सारे लोग जानते हैं ये भारत जो है वैदिक भूमि है, ब्रह्म देश से लेकर अरब तक और तिब्बत से लेकर लंका इंडोनेशिया तक, यह सारा का सारा भूभाग ये आर्यावर्त है और ये भारत है और ये हिंदू संस्कृति के नाते है। तो वास्तव में जिस तपस्या को सारा देश कर रहा है, हमको लगता है कि वह यहाँ से प्रस्फुटित होने वाला है। ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से निवेदन है कि हम को आशीर्वाद जो है प्रदान करें। प्रातः स्मरणीय श्रद्धे गुरुदेव, मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी जी महाराज, वैसे सारे हमारे महापुरुषों का परिचय हो चुका है, हमारे सूरत गिरी बंगले वाले महाराज जी, आर्ष गुरुकुल से पूज्य परमात्मा स्वरूप महाराज जी, सब महापुरुषों के चरणों में पूज्य आचार्य बाक्षण जी, और आप सब पूरे देश भर से लगभग 25 वर्ष से प्रारंभ करके 45 वर्ष तक की उम्र के अधिकांश साधु संत महात्मा यहाँ पर हैं, कुछ अपवाद रूप में वरिष्ठ भी होंगे। तो आप सब युवा साधुओं को, सन्यासियों को, यतियों को, तपस्वियों को, पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन प्रणाम करता हूँ। और साधु स्वाध्याय संगम इस पूरे अनुष्ठान के मूल में पूज्य महाराज श्री ने जो प्रेरणा और जो अपना अभिप्राय आपके सामने व्यक्त किया, पूज्य महाराज श्री ने मेरे सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा हम तो साधु संतों के दास हैं और आज जो कुछ भी हैं जीवन में सब महापुरुषों के आशीषों से हैं, और यदि ऐसे तपस्वी साधु संतों का दर्शन हो और उनकी कुछ सेवा का सौभाग्य मिले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने भी अपने सारे कार्यक्रम इसके आगे और पीछे रखे, 11 तारीख से फिर मेरे सायंकाल से कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, और अभी भी एक कार्य के मध्य से उठ करके आया तो आपके बीच में रहेंगे। प्रातःकाल योगाभ्यास करने से लेकर के और दिन भर, जैसे महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, साधु की जो मुख्य दिनचर्या है वो क्या है, तो एक सूत्र है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। योग दर्शन का जो साधन पाद है उसका प्रथम सूत्र, प्रथम साधन यही है। तो अभी से स्वाध्याय शुरू कर देते हैं, बोलिए तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। अब इसमें वैसे तो जीवन का सारा सार आ गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं, अनित्य सुचि दुखानात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मिता इव अस्मिता सुखानुसयी राग दुखानुसयी द्वेष स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये पंच क्लेश निवृत्त हो जाएं और इन सबके मूल में अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां
यदि क्लेश नष्ट हो जाए तो फिर तो हम सब नर के रूप में सब नारायण ही हैं, जीव के रूप में सब ब्रह्म ही हैं, मानव के रूप में हम सब महामानव हैं। और ये सत्य है कि हम सभी अपने पूर्वज ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं। हम किसी मठ मंदिर के, किसी आचार्य परंपरा के, किसी मत पंथ संप्रदाय के एक आचार्य हो सकते हैं, एक साधु संन्यासी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हम सब ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं, ऋषियों के उत्तराधिकारी। और उस ऋषि परंपरा का मूल क्या है? चित्त की शुद्धि। जब चित्त शुद्ध हो गया तो फिर तो शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, पूर्ण हो हम, मुक्त हो हम, तो हैं ऐसे ही। ये तो सब माया के धर्म हैं, अर्थात ये सब प्रकृति के धर्म हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये प्रकृति के धर्म हैं जो हम बाहर देख रहे हैं। और हम इसके नियंता हैं, हम इसके अधिष्ठाता हैं, हम आत्मा। और ये स्वाध्याय और हमारा सबल बने, अपना चित्त शुद्धतम हो और इसी जीवन में हमें पूर्णता की प्राप्ति हो। वैसे हम सब पूर्ण ही हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का प्रयोजन अभिप्राय लक्ष्य ध्येय यही है कि हम सभी पूर्ण हैं। ये जो अपूर्णताएं हैं, न्यूनताएं हैं, अल्पताएं हैं, पराधीनताओं के कारण से, अपने इन भीतर की दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से हम कैसे मुक्त हों, उसके लिए हम तप का आलंबन लें। तपो द्वंद्व सहनम, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि, इन सब के बीच में हम सहज रह सके, सम रह सके, समत्वम योग उच्यते। तप हम शरीर से भी तप करें, ना तपस्विनः योगः सिद्ध्यति। शरीर हम का सबका ऐसा हो कि वो निरोग हो। देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, आज भी प्रभात में जब मैं योगाभ्यास कर रहा था, कल तो आप सबके साथ ही करेंगे, कि साधु का शरीर ऐसा होना चाहिए कि दूर से भी उसका कोई दर्शन करे तो हजार हो, लाख हो या करोड़ लोग आपके दर्शन करें तो सबके अंतर में एक बात उठे, भाई शरीर का स्वास्थ्य हो तो इस साधु जैसा होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए साधु, तो दूर से ही शरीर भी उसका दर्शनीय हो, जीवन भी सब कुछ उसका दर्शनीय हो, अनुकरणीय हो। साधु का शरीर, साधु का शील, चरित्र, आचरण, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उसका अस्तित्व ही दिव्यता से भरा हुआ हो। तो तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, अलग अलग विद्या का तप, सब तप हैं ये सब, अलग अलग प्रकार की, आप सब भी उन तपों को कर रहे हैं। तो तप, दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय की तो इतनी महिमा है कि यदि 24 घंटे में हम 5-10 मिनट भी एकाग्र चित्त होकर के स्वाध्याय कर लें तो हमारी चेतना अपलिफ्ट हो जाती है। अंग्रेजी में दो शब्द बोले जाते हैं, हायर कॉन्शियस, लोअर कॉन्शियस। हिंदी में दो बड़े अच्छे शब्द हैं, निम्न चेतना, उच्च चेतना है। योगी शैवेंद्र इन शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। हम सदा उच्च चेतना में जिए, एक क्षण के लिए भी लोअर कॉन्शियस में ना, निम्न चेतना में नहीं। और वो आसुरी चेतना और जो है उनकी तो बात ही, वो तो अपना क्षेत्र ही नहीं है। माने सदा उच्च चेतना में जिए, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ ना आए, किसी अशुभ विचार का, अशुभ भाव का, अशुभ कर्म का हम स्वागत ना करें, बल्कि शुभ का ही स्वागत करें। आनो भद्राकृत वो यंतु विश्वता, ओम श्वान देव सवितर द्वैतानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व परोपे ही मनस्पाप किम सस्तानि संससी। एक क्षण के लिए भी हम अशुभ का स्वागत ना करें, इसके लिए स्वाध्याय। माने हमारी चेतना सदा उच्च भाव में, आत्मभाव में, हम आत्म चेतना के साथ, गुरु चेतना के साथ, ऋषि चेतना के साथ, वेद चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें, इसके लिए स्वाध्याय अत्यंत अनिवार्य है। वैसे शास्त्र में कहा भी है, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग माने चित्त वृत्ति निरोध,
सारे अंतर द्वंद्व हमारे शांत हो जाते हैं। चित्त के विकार हमारे पहले धीरे धीरे तनु और फिर वो पूरी तरह से दग्ध बीज हो जाएंगे। ये दो ही स्थितियां होती हैं साधु के चित्त की, माने क्लेश तनु रहे, उदार तो कभी नहीं होने चाहिए, नहीं वो तो फिर योगी का साधु का जीवन कहाँ हुआ, वो तो भोगी का जीवन हो गया। चित्त के जो देखो ये तो बीज के रूप में शुभ अशुभ है, तो साधु का जो चित्त होता है या तो वो उसमें जो विकार होते हैं या विचार होते हैं या क्लेश होते हैं जो वासनाएं होते हैं, या तो तनु अवस्था में हो या फिर वो दग्ध बीज हो जाए, तो वो ये काम योग स्वाध्याय से होता है। स्वाध्यायात योगम आसीत, साधु स्वाध्याय करता करता योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम अप्रमत्त तदा भवति योगो ही प्रभावाप्येव। माने ऐसी स्थिति आ जाती है स्वाध्याय से योग की, और जो योग से फिर वो पुनः लौटता है तो फिर स्वाध्याय में लीन हो जाता है। साधु की यही दिनचर्या है। स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनित, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। बस उसके जीवन में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। इस जगत में परमात्मा अभी अव्यक्त है जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, और जब चित्त शुद्ध हो गया तो सर्वत्र परमात्मा व्यक्त हो जाता है। और यही ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम, जगत का अर्थ शंकराचार्य महाराज ने कहा कि साधु को सारे जगत को भगवान से उत्प्रोत ही अनुभव करना चाहिए हर पल। वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये स्वाध्याय का इतना बड़ा फल है इसका। माने जो स्वाध्याय में प्रतिष्ठित हो गया साधु, तो फिर उसके जीवन का ध्येय उसको प्राप्त हो जाता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से सब इष्ट उसको उपलब्ध हो जाते। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की महिमा कही तो स्वाध्याय का लाभ ये बताया, उसकी महिमा, उसकी उपलब्धि, उसका अचीवमेंट, उसकी सक्सेस ये बताई। तो स्वाध्याय तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और वैसे भी कहा स्वाध्याय है क्या, तो इसको दूसरे अर्थ में भी महर्षि वेदव्यास जी ने कहा स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। प्रणवादि पवित्र माने जो आप मंत्र आदि का जप करते हैं अपने इष्ट देव की आराधना के लिए, वह भी स्वाध्याय है। और जो मोक्ष शास्त्र हैं जिससे कि इस जीवन और जगत के परम सत्य का, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य का हमें बोध होता है, वह स्वाध्याय। इतना इतनी बड़ी स्वाध्याय की महिमा। और जब स्वाध्याय हम करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान हो जाता है, भगवत समर्पण, भगवत शरणागति। और ये तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम भगवत शरणागति में जिए। तो क्योंकि स्वाध्याय आज केंद्र में है, और तपस्वाध्याय ईश प्रणिधानानि क्रियायोग, क्रियायोग के केंद्र में भी स्वाध्याय है। तो आप सब यहाँ स्वाध्याय करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, योग से शुरू होके स्वाध्याय और स्वाध्याय से फिर योग में प्रवेश, यही होगा। तो ये योग स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनीत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। और देखो साधु किस संप्रदाय का है, ये कोई इस बात की कोई विशेष महिमा नहीं है संप्रदाय की, साधु है इसकी सबसे बड़ी महिमा है। और यहाँ मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लगभग आपकी वेशभूषा आदि देख करके, आपके अलग अलग परिवेश देख करके अनुभव में आ रहा है कि लगभग सभी संप्रदायों के साधु यहाँ पर हैं। आप सबको प्रणाम, हम साधु हैं। फिर साधुओं के संप्रदाय तो ये जैसे अलग अलग माता पिता की संतानें संसार में, भौतिक संतति होती है, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक संतति है, गुरु परंपरा है। ये संप्रदाय क्या, मत पंथ क्या, गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा
वहाँ संसार में एक भौतिक वंश की परंपरा होती है, तो इसमें कोई भेद होता ही नहीं। हम तो अभेद के उपासक हैं, एकत्व के उपासक हैं। एकत्व अनुपश्यत मृत्यु हो स मृत्यु आपनोती या नानाए भी अपश्यती। तो हम उस एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के स्वाध्याय करेंगे, योग करेंगे। और देखो आप साधुओं में कुछ बड़े तगड़े तगड़े हैं, कुछ हमसे द्विगुणित बल वाले भी हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे पार्श्व में भी ऐसे महाराज श्री लेकिन मैं देख रहा था, मैंने कहा महाराज जी अभी ज्यादा तेजस्वी होते जा रहे हैं। तो देखो ये जो शरीर का रूप है ना, ये तो जेनेटिक होता है। किसी का केश उड़ जाता है, किसी के केश थोड़े ज़्यादा हैं, किसी के जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के मध्यम गति से होते हैं, किसी के तीव्र गति से होते हैं, इसमें कोई परवाह नहीं। किसी का शरीर बहुत सबल है, किसी का सामान्य बल है। साधु निर्बल तो होता ही नहीं है, दुर्बल भी नहीं होता, निर्बल तो प्रश्न ही नहीं है। निर्बल कैसे हो सकता है, साधु तो बहुत बलवान होता है, उसका तो आत्मबल इतना सबल होता है, कोई प्रश्न ही नहीं। और यहाँ पर भी आपके भंडारे की हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और उसमें हमने ये व्यवस्था भी की है कि आपको खूब योगाभ्यास कराएंगे, सुबह कम से कम आधा से एक किलो आपका पसीना निकालेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अच्छा है, अच्छा रहेगा थोड़ा। लेकिन साधु शरीर से ये तो मैंने कहा जैसा, लेकिन साधु का जीवन इतना पावन हो कि ये जो देखो जो शिखर पर होता है उसी पर प्रश्न उठते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न दुनिया में दो ही लोगों पर उठते हैं, धर्म सत्ता वालों पर और राज सत्ता वालों पर। अब राज सत्ता वाले तो बड़े होशियार होते हैं भाई, अब ये जो धर्म सत्ता वाले हैं, अब पिछले दिनों पता नहीं कुछ ऐसा दो तीन साल में कुछ नया कर्मकांड हो जाता है। तो उसमें काफी विचलन सा हो जाता है। लेकिन भाई देखो एक बात जरूर है, जो साधु योग का तप करता है और स्वाध्याय आदि का तप करता है, वो दग्ध बीज हो जाता है। वो दग्ध बीज कैसा होता है, जैसे चना होता है ना, उसको भून दो फिर कैसे मिट्टी में डाल दो, अंकुरित नहीं हो सकता। तो भाई साधु को अपने शरीर और चित्त के चने से भून के रख देने भाई, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। बाकी तो सारा काम अपना ठीक है, संसार है इसमें सब तरह का सब कुछ है चारों तरफ, उसमें क्या है। साधु उसमें एक परमहंस की तरह रहता है। और आप सब इतने महान विद्वान तपस्वी अपने, देखो ये तो परस्परम भाव यंत्र है, ये तो सारा हम सब जो श्रेय पर के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की जो सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आत्मीयता से परस्परता में पूरकता के साथ आगे बढ़ते हुए इन 11 तारीख तक इस आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे से जो भी कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे से जो कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ेंगे। और बहुत आनंद होगा, आज प्रथम दिन है, प्रथम सत्र है, और इस इन आप में से बहुत अलग अलग परंपराओं के कुछ वरिष्ठ आचार्यगण भी हैं, कुछ दायित्वों की दृष्टि से कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ कनिष्ठ हैं। ज्ञान योग्यताएँ कुशलताएँ ये कम ज़्यादा हो सकती है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। नॉलेज एक्सपर्टीज और अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन हो सकती है, किसी के पास 1,000, 2,000, 5,000 एकड़ ज़मीन हो सकती है। बाहर की विद्या विभूति ऐश्वर्य आदि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हम साधु हैं। इसलिए महाराज श्री ने कहा कोई मंच के नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, हम साधु सब एक ही हैं, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं। और आपके साथ ही सबका भोजन, सबकी व्यवस्था, सबका रहन सहन सबका एक जैसा है। जिन कमरों में आप ठहरे हैं उन्हीं कमरों में महाराज जी भी ठहरे हैं। यहाँ कोई VIP व्यवस्था नहीं है और कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है। यदि इस व्यवस्था को VIP कहा जाए तो सभी VIP हैं, और सामान्य कहा जाए तो सभी सामान्य हैं। आप सब यहाँ पर आए,
हमें बहुत प्रसन्नता है। आप इतने परमहंस साधु सन्यासियों को देख करके ऐसे लगता है कि इस धरती का मानो स्वर्ग का अवतरण पतंजलि योगपीठ में आपके माध्यम से हुआ है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। पूज्य स्वामी जी ने बहुत आत्मीयता से हम सारे लोगों का स्वागत भी किया और साधु स्वाध्याय संगम के उस बीज मंत्र को भी आपके अंदर डालने का एक प्रयत्न किया। जिस प्रकार मथुरा के अंदर एक स्वामी बिरजानंद करके एक ऋषि थे, जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए एक ऐसे शिष्य को तैयार किया जिन्होंने केवल वेदों का भाष्य ही नहीं किया तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर वेदों के प्रचार के लिए एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण भी किया। और मुझे लगता है यह जो पतंजलि योग पीठ है, ये दो ऋषि पतंजलि और महर्षि दयानंद दोनों के मिश्रित पीठ कहा जाए तो यह कम नहीं है। हमको लगता है कि दोनों का मिश्रित जो प्रयोग है वो यहां पर हो रहा है। और जैसे स्वामी बिरजानंद ने व्याकरण वेदों की शिक्षा के द्वारा स्वामी दयानंद को केवल तैयार ही नहीं किया तो संपूर्ण भारत के अंदर देश के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रकार से उन्होंने बीजारोपण किया दयानंद के द्वारा। ऐसे जो हमारा पतंजलि पीठ है, इसके आचार्य हम सारे लोग जानते हैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को, लेकिन उनको जिन्होंने तैयार किया, जिनको मैं बिरजानंद के नाते समझ सकता हूँ, पूज्य आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज से निवेदन है कि हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ये बात पूछी जाती है। जीवन के बारे में ये जिज्ञासा की जाती है कि हम इसको पवित्र कैसे बनाएं। ये भी पूछा जाता है कि हमारे जीवन का जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है। ये भी पूछा जाता है कि हम अपने निम्न प्रकृति से कैसे अपने आप को मुक्त करें, प्रलोभनों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, दुख से कैसे भयभीत ना हो और सुख के आकर्षण से कैसे अपने को बचाएं, कैसे हमेशा अपने को निर्भय रख सकें, कैसे इस प्रकृति के प्रपंच के बीच में रहते हुए अपने आप को पूर्ण स्वाधीन रख सकें, क्या उपाय है कि हम भगवान के प्रेमी बनकर जिए, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न किए जाते हैं। तो यदि हम इन सब प्रश्नों के मूल में जाकर के देखें तो तीन बातें हमारे सामने आती हैं कि हमारा अपने लिए किस तरह से क्या वो आचरण हो जिससे कि हम अपने लिए सार्थक हो जाएं, अपने लिए कैसे हम सार्थक हो सकते हैं और संसार के लिए कैसे सार्थक हो सकते हैं और भगवान के लिए हम कैसे अपने जीवन को
उपयोगी बना सकते हैं। तो एक बिंदु जो अपने लिए है, जो सबसे जरूरी है, जो इस रास्ते पर चल रहा है, उसको ये है कि हम अपने को निर्दोष कैसे बनाएं और हम कैसे निर्दोष बनाने के बाद जब हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारे जीवन में दिव्यता आए, शुभ आए, तो उस शुभ से, शुभ के अभिमान से कैसे अपने को मुक्त रखें। जब हम विकारों से युक्त रहते हैं तो अपने को कोसते रहते हैं, हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, और कुछ अच्छा आने लगता है तो अहंकार से युक्त हो जाते हैं। इन दोनों भावनाओं से कैसे अपने को ऊपर उठाएं, ये विचार करने की बात है। हम सबको अपने जीवन को हीन भावना में भी नहीं रखना और अहम भावना भी किसी प्रकार की नहीं आने देना। यदि इस समता को साध सकें तो जीवन हमारा निरंतर जो हम चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो मैंने उठाए थे लोगों के द्वारा और अपने द्वारा जो जिज्ञासाएँ प्रकट की जाती हैं, वो सब, उन सब का समाधान हो सकता है। तो अपने को निर्दोष बनाने के लिए अपने दोष, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि वो दोष हम देख सकें, उन दोषों को देख सकें कि ये मेरी निर्बलता है और ये मेरा दोष है, और उस दोष को देखने के बाद उसको हम अपने सामने बार बार अनुभव कर सकते हैं कि ये दोष तो मुझ में नहीं होना चाहिए। और यदि ना हो वो दोष दूर, तो अपने को इतना दुखी अनुभव करें कि जिससे कि वो दुख उस दोष को खा जाए। अपने को निर्दोष बनाने की प्रक्रिया में दोष को देखना और दोष से मुक्त होने के लिए भगवान को पुकारना और उसको बार बार पुकारना और अपने को एक प्रकार से असहाय अनुभव करते हुए भगवान को पुकारना, तो निरंतर इस प्रक्रिया से भगवान हमारी सहायता करते हैं। साक्षात वो परम वाणी, भागवत वाणी को योगेश्वर अपने मुख से हमें सुना रहे हैं कि तेषामेव अनुकम्पार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे पावरफुल आश्वासन हमें दिए हैं कि उनकी अनुकंपा के लिए चमचमाते ज्ञान दीपक के द्वारा मैं उनके अंधेरे को दूर कर देता हूँ। उनकी आत्मा में बैठा हुआ